यासर साहब वो रिसेप्शन से कह रहे हैं कि नंबर आपके पास है, आप देंगे। मैं तनख्वाह तेरे पैसे से कहाँ से लेता यार? आवाम के पैसे से ले रहे हैं ना सर। कितना टैक्स देता है साल का सर? जितनी कितना टैक्स देते हो? जितनी चीजें खरीदता हूँ ना। कितने टैक्स देते हो? मैं तुम्हारी जनरल सेल टैक्स से नहीं तनख्वाह लेता, ठीक है जी सर। हाँ, मुझे कौन सी तनख्वाह देते हो यार तुम? सर आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं ना? तुझे रिटेन किया हुआ ना यार? सर मुझे बार बार कमरे में पंखा ऑफ कर दिया जाता है। मैं आपके मिन्नत करके गया हूँ सर, यहाँ पे मुझे सोने सोना है। मैं तो बच्चे, ये इमरजेंसी है ना जी सर, मरीज बुखार के साथ आता तो मैं उसको ठंड में बैठा दूँ। तो सर आप मुझे कहीं और पे एडजस्ट नहीं कर सकते थे? नहीं, मैं तेरे पैसों से तनख्वाह लेता हूँ ना। तू बच्चे निकाल यार, तेरे पैसों में कौन सी तनख्वाह देता? मैं बड़े प्यार से तेरे साथ पेश आ रहा था, लेकिन तू मेरे ख्याल में समझते कि प्यार से पेश ना है। सर मैंने यहाँ पे मेहनत की थी आपको। मैंने तुझे क्या कहा, रिटेन किया ना, जबकि इमरजेंसी में रिटेन करने का कोई कानून नहीं है लीगली, ठीक है? फिर भी तेरे से लिहाज किया कि कराची से आया हुआ है, नहीं तो यहाँ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिटेन करने वाला। मतलब मैं रात बाहर गुजारूँ? बच्चे जहाँ मर्जी गुजार, ठीक है सर, ठीक है। और सुबह ना एक कागज़ लेके आ जिसमें तूने टैक्स दिया, जिससे तेरी मैंने तनख्वाह ली है, ठीक है? सही है, ठीक है। और मैं फिर मैं बताता हूँ मैं किसके पैसों की तनख्वाह लेता हूँ, ठीक है सर। मैं अपना बैग उठा रहा हूँ, बंदा भेज उठा सर, अपने आपकी नज़रों के सामने, आपके बंदे की नज़रों के सामने अपना बैग उठाना चाहता हूँ कि कहीं ये ना शक आए कि हमारी कोई चीज़ उठा ली। बच्चे तू उठाएगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। सर आप तो टेंशन, अभी भी अभी अपना कोई भाई ये भेजे ना, मैं ये सामने कमरे में अपना भाई है, मैं तुझे ढूंढ लूंगा जहाँ भी जाएगा तू, ठीक है? बाकी जो तूने मुझे तनख्वाह देता है ना, तू कल से मेरी तनख्वाह रोक दे, ठीक है? ठीक है, सही है। हमारे टैक्स